IQ71 has came in front of us, और सारे ही सारे लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं उसको, क्या कुछ फीलिंग है अभी राइट नाउ बताना चाहें हमें आप? आई एम वेरी एक्साइटेड. हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में. संकल्प रेड्डी की फिल्म है, विद्युत जामवाल ने प्रोड्यूस की है रिलायंस के साथ और टी सीरीज के साथ, और हम लोग बहुत खुश हैं. आज रिलीज डेट है और अगले 3 दिन क्या होने वाला है, हम लोग सब बेसब्री से आंखें लाइक गड़े हुए हैं हम लोग सिनेमा हॉल्स की तरफ. आई होप बहुत लोग इस फिल्म को देखें. मैं एक IB एजेंट का रोल प्ले कर रही हूँ. तो हम लोग सब IB एजेंट्स हैं, कुल मिला के 30 एजेंट्स हैं. विद्युत जामवाल भी एक IB एजेंट प्ले कर रहे हैं, और हम सब लोगों का एक अंडरकवर रोल भी है, मतलब हम लोग किसी एक और रूप में भी हैं. तो आप मुझे एक और रूप में भी देखेंगे जो आपको फिल्म में नज़र आएगा. How was your experience of seeing yourself as an agent, IB agent? और IB के अंदर में आप इतने डिटेल में काम किया, IB के बारे में जान के वो क्या कुछ एक्साइटमेंट थी, और खुद को एक पर्दे पे देखना है IB एजेंट? आपको पता है कितना मुश्किल है यहाँ सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए, कितने एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं. हम लोगों को एक छोटा सा मौका मिला है एक IB एजेंट का रोल निभाने का. आई थिंक बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को उन शूज़ में, इतने बड़े शूज़ हैं वो, हमें एक मौका मिला है पर्दे पे आप लोगों तक वो रूप पहुँचाने का. आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं और मुझे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर का रोल प्ले करने का मौका मिला है. सबको नहीं मिलता, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. ओके मैम, हम जानना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे जानते हैं कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट भी रह चुकी हैं जी, देन इसके बाद आपके अंदर बॉलीवुड के कीड़े कैसे आए, हम ये इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगी आप इसके लिए? मैं जितनी भी मेडिकल की तरफ हूँ, उतनी ही ज़्यादा शायद मैं सिनेमा की तरफ हूँ. ये दोनों मेरे राइट एंड लेफ़्ट आँख हैं, राइट एंड लेफ़्ट आर्म्स हैं, मैं उन दोनों के बिना जी नहीं सकती. तो ये दोनों मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि हमने आपको सूर्यवंशी में देखा था जी, डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट रोल में जी, एंड इसमें भी कुछ हद तक वो रोल देखने को, बट हम ये जानना चाहेंगे मैम कि आप ये रोल करने से पहले कोई ट्रेनिंग लेती हैं एज अ एक्टर? हाँ बिल्कुल, आई थिंक हम लोगों को ट्रेनिंग तो मिली ही थी. हम लोगों के वर्कशॉप्स भी हुए थे, जो भी एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए थे इस फिल्म के दौरान, तो हम लोगों को एक्शन का वर्कशॉप मिला. और संकल्प रेड्डी बहुत ही ईजी गोइंग डायरेक्टर हैं, लेकिन हाँ उनके साथ जो भी वैसा सीन वो चाहते थे तो आते थे, वो हमें एक्सप्लेन करते थे. बहुत कम बोलते हैं संकल्प रेड्डी, उनको उनका ना टेलीपैथी ज़्यादा चलता है. उनको बस अपने आँखों से 2-3 बार ब्लिंक करना होता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रेलर में, तो 2-3 बार मॉस कोड के थ्रू विद्युत जामवाल को एक मैसेज मिलता है. मुझे लगता है संकल्प रेड्डी भी किसी ना किसी तरीके से एक IB एजेंट ही बन गए थे, और हमें बस कोड वाइज समझा रहे थे कि निहारिका ये करो, विद्युत जामवाल ये करो, अनुपम जी ये करो, विशाल जेठवा ऐसा करो. तो उनका एक अलग ही स्टाइल है डायरेक्शन का, बट बहुत मज़ा आया. इट वॉज रियली नाइस, हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया. बात करें हम अक्षय कुमार की, जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, हाँ जी, विद्युत जामवाल भी कोई कम नहीं है. नहीं, फिर भी इन दोनों जन के बीच में डिफरेंट क्या रहा है? आपके लिए सबसे सपोर्टिव एक्टर कौन रहे हैं कंपेयरिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी? दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज़ हैं मुझे. अक्षय कुमार जी ऑब्वियसली हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और बहुत साल उन्होंने गुजारे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो भी बहुत यंग फील करवाते हैं हम सब लोगों को सेट पे. खूब उनका एक अच्छा सा हैप्पी ग्रीटिंग हेलो होता है सेट पे. विद्युत जामवाल एक ज़्यादा सीरियस किस्म के इंसान लगते हैं मुझे, एज़ अ पर्सन ज़्यादा फिलोसॉफिकल, ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा डीप, ज़्यादा मीनिंगफुल. उनका एक अलग ही पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी आपको इस फिल्म में नज़र आएगी. उन्होंने पहली बार एक ऐसा रोल निभाया है जो मुझे बहुत पसंद आया है उनका. मैंने पहले भी उनकी फिल्में देखी हैं, खुदा हाफिज़, कमांडो, लेकिन जिस तरीके से विद्युत जामवाल एज एन IB एजेंट नज़र आए हैं IB 71 में, आई थिंक एवरी वन विल बी वेरी प्राउड ऑफ हिम. IB 71 की बात किया जाए मैम, इसमें यू नो फीमेल एक्टर थी नहीं अकॉर्डिंग टू ऑल, बट 35 एंड 45 अब वो जिसमें फीमेल के बीच में आप थी, मेल के बीच में, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फीलिंग यू नो? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत स्पेशल फील की.
सारे एजेंट्स के बीच में मैं अकेली लेडी एजेंट हूँ और मेरा बहुत ख्याल रखा गया, मेरा बहुत ध्यान रखा गया, मेरी हर छोटी से छोटी मांगे पूरी हुई और डायरेक्टर से लेके हीरो से लेके बाकी सारे एजेंट्स लोगों ने मुझे बहुत वेलकम फील करवाया एंड मुझे बहुत पलकों पे रखा। आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। मैं लातूर गई, मैं कश्मीर गई और मैंने एक्शन देखा और मैं बहुत सारे लोगों से मिली और सारे लोगों ने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात की एंड आई वुड लाइक टू गिव ऑल द मैन ऑन माय सेट अ बैज ऑफ शिवलरी एंड दे वर ग्रेट जेंटलमैन। अनिहारिका, बात करें आपके जो 1971 के दौर पे पूरे आईवी 71 को घुमाया गया है, 71 के आउटफिट्स में अपने आप को स्टाइल करना, हाउ वाज इट? मुझे बहुत लोग पहले भी कहते थे, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी ना शुरुआत में, तो मैंने 2-3 ऑडिशंस किए थे, तो उस ज़माने में ना मैंने मेरे नानू के गाने गाए थे, तो लोग कहते थे कि निहारिका इस ज़माने की लड़की हो तुम, मतलब 21st सेंचुरी गर्ल, यू आर नॉट अ गर्ल ऑफ दैट एरा। बट वो एरा मुझे बहुत आकर्षित करता है, पता है, एंड जब लोग मेरी शक्ल भी देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम पुरानी हीरोइनों की तरह दिखती हो, शायद इसलिए ही मेरा कास्टिंग भी हुआ है इस फिल्मों में। तो मुझे तो वो दौर बहुत पसंद है, वो दौर मेरे ग्रैंडफादर का दौर था, उससे भी पहले, मतलब 1956 से लेकर 1975 तक, वो मेरे ओपी नैयर जी का दौर था एंड आई एम वेरी प्राउड कि मुझे उस ज़माने का एक रोल करने को मिला, क्योंकि पता नहीं शायद आगे मिले कि ना मिले। IB71 की बात किया जाए मैम, तो ये हिस्टोरिकल बेस मूवी है जो हमारे इतिहास को बताया गया है, और जब ये मूवी की स्क्रिप्ट आपके पास आए तो आप हाउ टू फीलिंग यू कि कैसा, मतलब आप इस रोल को कंफर्टेबली कर सकती हैं या क्या कुछ मुश्किलें आपके रास्ते में आए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। रॉ एजेंट्स हमारे बीच अनसंग हीरोज़ हैं, उनका नाम निशान और कुछ भी हम उनके बारे में नहीं जान सकते, तो हमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है उनके जैसे बिहेव करने के लिए, वो कैसे उनको ट्रेनिंग मिलती है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली एम्यूलेट अ रॉ एजेंट और एन IB एजेंट, आई फील। बट मैं इतना बता सकती हूँ कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द माइंड, दे आर वेरी फोकस्ड एंड दे आर ऑलवेज अलर्ट। एक IB एजेंट हमेशा अलर्ट रहता है, जो चीज़ें नॉर्मल आम इंसान को नहीं दिखती वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर को दिखती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या ऑब्जर्व करते रहते हैं आपकी मौजूदगी में। तो मैंने वो सब ग्रास्प करने की कोशिश किया है लाइक इस रोल में, कि मतलब मेरे सारे सेंसेस, सारे जो सेंसेस हैं, माय सीइंग सेंस, स्मेलिंग सेंस, हियरिंग सेंस, टच सेंस, उसको मैंने बहुत हाइटन किया है, बहुत हाईलाइट किया है, क्योंकि आई एम श्योर IB एजेंट्स इन सारे सेंसेस पे बहुत काम करते हैं। ओके, बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड मूवी की बात करें तो आप आगे अक्षय कुमार एंड विद्यु चावल तो हो गए, आगे किसके साथ आप मूवी करना पसंद करेंगी बॉलीवुड एक्टर? मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो शाहिद कपूर हो, चाहे वो ईशान खत्तर हो, वरुण धवन मेरा फेवरेट है, मुझे वरुण धवन के साथ एक कॉमेडी फिल्म करनी है। आई रियली लाइक हिम, मुझे वो बहुत कूल लगता है, उसकी पर्सनैलिटी इज़ डायनामिक, वो मुझे बहुत कूल लगता है ओवरऑल। आई थिंक ही इज़ जस्ट अ वेरी फन पर्सन, आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हिम। और मैं और किसके साथ काम करना चाहूँगी, मैं नाना पाटेकर के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं और किसके साथ काम करना चाहती हूँ, अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहती हूँ, और बहुत सारी लेडीज़ के साथ भी काम करना चाहती हूँ, मैं आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना चाहती हूँ, तो देयर आर सो मेनी पीपल ऑन माय विश लिस्ट। मैं बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ बेसिकली। आपकी जर्नी की बात करें मैम, तो बहुत अप्स एंड डाउन आपने भी देखा है, बट आपको जैसे हम हर बार हर एक इंटरव्यू में सुनते आए हैं, आप बहुत जिद्दी हैं, यू नो, तो आपका ऐसा कुछ रहा है कि नहीं मेरे को बिग प्लेटफॉर्म पे ही अपने आप को देखना है एज अ स्क्रीनिंग? मुझे अभी किसी ने पूछा कि एक अलग ही हाई होता है जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं, यू नो दैट्स अ डिफरेंट हाई। ऑब्वियसली ऐसे अगर आप एम्स रखोगे लाइफ में तो मुश्किलों का सामना तो आपको करना ही होगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज के डेट में जहाँ सब लोग सारी फिल्में, सारे कॉन्टेंट को अपने फ़ोन पर देखते हैं, तब भी उसमें लड़ना झगड़ना और फिर भी बड़े पर्दे पर आना, आई थिंक टुडे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत कम लोग उस चीज़ को, आई थिंक उस चीज़ को रख पाएंगे। मुझे पता नहीं है कौन लोग
वही लोग होंगे जो पर्दे को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज अब क्या हो गया है ना कि कंटेंट इतना अवेलेबल है आपके फ़ोन्स पर, आपके घरों के प्रोजेक्टर्स पर, कि अब आप लोग सिनेमा हॉल्स ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन मैं निहारिका रायज़ादा ये प्रॉमिस लेती हूँ कि मेरा पिक्चर हमेशा सिनेमा हॉल में सबसे पहले लगेगा, और आप लोग प्लीज़ आना और सिनेमा हॉल में ही उस पिक्चर का मज़ा लेना प्लीज़। जाते जाते मैम, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगी आप अपने ऑडियंस को? ये पिक्चर विद्युत जामवाल ने प्रोड्यूस की है एज अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर। हमारे तेलुगु डायरेक्टर हैं संकल्प रेड्डी, इसमें अनुपम खेर जी हैं जो एक वेटरन एक्टर हैं, इसमें आपको विशाल जेठवा नज़र आएंगे जिन्होंने कमाल का काम किया है, अश्वथ भट्ट जिन्होंने कमाल का काम किया है, ये सारे कमाल के एक्टर्स, डैनी सूरा, सूरज जोशी, मैंने भी काम किया है इस पिक्चर में। तो प्लीज़ आप सिनेमा हॉल्स में इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर का नाम है IB71, ये आज फ्राइडे 12th में रिलीज़ हुई है, और मैं चाहती कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड इस फिल्म को देखे। जाते जाते मैम, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ बताते जाइए कि आपके आगे हम किस प्लेटफॉर्म पे या किस मूवी में आपको देखने को हमें मिलेंगे आप? कैच यू इन द सिनेमाज वेरी सून, एक और पिक्चर जल्द आएगी निहारिका रायज़ादे की, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। लास्ट क्वेश्चन,